मुल्तान में जावेद हाशमी मीडिया से गुफ्तगू करें, आइए आपको लिए चलते हैं। शामिल होते जाएंगे। बात यह है कि आप अंदाजा करें कि हम और हमारी पार्टी को किस तरीके से रुकावटें खड़ी की गई हैं। परसों मैंने कागजात जहां दिए थे, कल मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के सामने पेश था और उनको मैंने, उन्होंने कहा आप तो कहते हैं मैं काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, आज सारे प्रेस में मौजूद है। तो मैंने कहा जनाबे वाला आप कभी लड़ भी जीत भी नहीं सकते, काउंसलर का इलेक्शन आप नहीं जीत सकते। तो मैं तो उस पार्टी गेट का, मैंने कहा एमएनए रहा हूं, मैं तो पार्टी गेट का एमएनए रहा हूं, आप उसका काउंसलर का इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते, जीत भी नहीं सकते। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं प्यार से बात करता हूं आपसे कि अदालतों का कुछ एहतराम होता है। मैंने कहा कि अदालतों का एहतराम जनाबे चीफ जस्टिस साहब जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, अदालतों, इन अदालतों ने अपना एहतराम रखा ही नहीं है। इन्होंने हम लोगों को खड़ा किया 10-10 साल से। मेरा ये 30 साल से मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी के लिए जिसके मुझे बुलाया है। फिर आप इस मुल्क के जो डिक्टेटर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा तहफ़ यही कुर्सी करती है, चीफ जस्टिस साहब आपकी कुर्सी, आपकी कुर्सी इस मुल्क के अंदर आइन का बहरान पैदा करती है, आइन का बहरान हल नहीं करती। बदकिस्मती ये है जिस खेत को अगर बाढ़ ही उसे खाने लग जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आइन का तहफ़ करने के बजाय अपने मुल्क के आइन को खाने लग जाए। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं।